सबसे पहले मैं सलाद बनाने की तैयारी कर रही हूँ, चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और आज मैं खाना बाद में बनाऊंगी, पहले मैं छोटी छोटी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ गाइस, और साथ साथ अपने व्यूवर्स के लिए ये वीडियो भी तैयार करनी है मुझे, और मैं कर रही हूँ। हेलो, नमस्ते, आदाब, मैं माहिरा हसन आप सभी के को बहुत दिल प्यार और दुआओं के साथ ये वीडियो बना रही हूँ, और मुझे उम्मीद है, मेरी दुआ है, आप सब लोग बहुत ठीक, खुश और खैरियत के साथ होंगे गाइस। और आप लोग सुनाइए, आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या चल रहे हैं आप सबकी लाइफ। मुझे उम्मीद है आप सब लोग भी बहुत कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। तो बातों ही बातों में सैलेड तैयार हो गया, अब जल्दी से मैं चटनी बना लेती हूँ। उस चटनी बनाने के लिए मैंने रेडी किया है, साबुत मिर्च तोड़ के मिक्सर में डाल दी, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा हींग, और हल्का हल्का सा पानी के साथ मैं इसको मिक्सर में लगा के ग्राइंड कर लूँगी और ज़बरदस्त सी चटनी तैयार कर लूँगी। तो आप लोग भी कभी चटनी बनाएं तो ये चीज़ें ज़रूर डालिएगा। थोड़ी सी अगर आप चाहें तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं, और अगर वो ना हो तो आप खटाई भी डाल सकते हैं, और अगर इसके साथ आप हरी मिर्च भी डालना चाहें तो वाह, क्या बात है। आप अपनी खुद के बॉस हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप इसमें फ्लेवर डाल सकते हैं। पर तो जल्दी से मैंने इसको सजा लिया है, एक ट्रे के अंदर सैलेड रख लिया, चटनी रख ली, और मुझे क्या रखना चाहिए, जी हाँ, अचार और थोड़ा सा नमक मैंने एक अच्छे से प्लेटर में निकाल लिया है गाइस। और जल्दी से मैं बनाने जा रही हूँ आलू की तहरी। जी हाँ, आलू की तहरी, बहुत कम लोग ये नाम जानते हैं, इसको तहरी कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं इसे पीले चावल, कुछ लोग इसको कहते हैं आलू चावल, कुछ लोग अपने अपने ढंग से कहते हैं, लेकिन मेन नाम इसका आलू की तहरी होता है। तो आलू मैंने छील लिए हैं, इसके जो पील्स होते हैं वो उतार लिए हैं, और इसको मैं जैसा शेप मुझे पसंद है तो मैंने वैसे इसको स्लाइस के शेप में काट लिया। आपको जैसे पसंद हो आप वैसे काट के डाल सकते हैं। और बिरयानी की दो प्याज मैंने काट ली, हरी मिर्च रख ली साइड में, और जल्दी से मैं गैस को क्लीन करके कुकर रख देती हूँ। गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने का एहतराम करना, खाने को सफाई से बनाना, और किचन की जगह को एकदम चमकता हुआ देखना मुझे अच्छा लगता है। और गैस के ऊपर खाना बने और गैस का एहतराम ना हो तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो जल्दी से मैंने ये क्लीन करके कुकर रख दिया, और प्याज तो आपने देखी है बिरयानी की, वो काठी जो थी वो डाल दी, और जो खड़े मसाले डाल रही हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया, ज़ीरा डाल दिया, और ये जो मैं कूट रही थी गाइस, आपको पता है मैं क्या कूट रही थी? तो मैं कूट रही थी साबुत धनिया और हल्की सी सौंफ। ये टिप्स है, और ये बड़ी सीक्रेट टिप्स है, ये आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ऐसा जायका आएगा, ऐसा जायका आएगा कि दूर दूर तक खुशबू जाएगी, और लोग कहेंगे कि भाई हमें भी ये टिप्स तो हमें भी चाहिए, और हमें भी ऐसे ही बनाना है। तो वो जो मैंने कूटा था वो डाल दिया, और मैंने खड़े मसालों में जो था ज़ीरा और ब्लैक पेपर डाल दिया, लौंग डाल दी, और वो जो पतली सी जो होती है दालचीनी का टुकड़ा वो डाल दिया, और एक बादियान का फूल डाल दिया, मसाला भून लिया। भूनने के साथ साथ आलू हल्के से आपने देखा होगा गला लिए, थोड़े से हाफ कुक जो थे आलू वो मैंने गला लिए, और राइस इसके अंदर डाल दिए। राइस, दो ग्लास राइस थे, और अब थोड़ा टाइम तो लगेगा ना यार बनने में, तो वो थोड़ा वेट करते। तब तक हमारे घर में ये जो बर्फ़ी आप देख रहे हैं ये किस लिए है? जी हाँ, हर महीने हमारे घर में रिज़क के बुज़ुर्गों की नियाज लगती है, ताकि रिज़क में खैर व बरकत हो, और रिज़क में कभी भी कोई कमी ना आए, और उनकी दुआओं का सदक़ा हम लोगों को मिलता रहे। तो मेरी मम्मी ये नियाज लगा रही हैं, और तब तक मैंने दस्तरखान बिछा दिया। अब मैं इसको टेस्ट करके ये डिश आउट तो कर ही लिया, आप देख रहे हैं।
तो मैं खा के बताती हूँ ये कैसा बना है। हल्का सा सैलड, हल्की सी चटनी, हल्का सा अचार में मैंने लगाया और खा लिया। इतना ज़बरदस्त बना, इसको हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं लुचलुची तहारी। एक तो ये तहारी होती है आलू की, और एक होती है गोश्त की तहारी जो यूपी स्टाइल में बनाई जाती है। इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करूँगी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल माहिरा की सिंपल लाइफ। जी हाँ गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डू कमेंट माय चैनल। प्लीज़ वॉच गाइस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। लव यू ऑल, बाय गाइस।